भी हमने देखा कि वो जो अभी तक बूस्ट अप कर रहे थे, एंकर इतना ताकतवर है, ब्लिंक इतनी ताकतवर है, कैलेंडर इतनी ब्रेव है, वो सब के सब अब पायलट को देखकर डर गए। बट अब जंप कस्टर्स नॉट लाइक एन इंजन, और अब जो रियल ब्रेवरी दिखाने का टाइम था उसमें सब डर के चले गए। रियल ब्रेव कौन था? वो था कस्टर, जो एकदम जंप करके आया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जैसे इंजन आवाज करता है, स्नॉट करना गया ना साउंड, वो भी चला गया। तू भी खड़ी हो जा बेटा, आप पीछे चले, कोई बात नहीं, खड़ी हो जा। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंगल, और अब वो अपनी टेल को इस तरीके से क्लैश कर रहा था, अगेन आवाज करना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अगर लोहे की चेन्स हो उनको एक दूसरे के साथ मारो या जमीन पर मारो तो एक तरीके की जो आवाज आती है मैटलिक साउंड, दैट इज कॉल्ड क्लैश। क्लैटर एंड क्लैंग, जैंगलिंग स्क्विरल, आप ये तीनों भी ऑनोमेटोपिया है, ये तीनों भी साउंड है मेटलिक साउंड, जब आप एक मेटल से कोई साउंड करते हो दिस काइंड्स ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस। और वो स्क्विम, स्क्विम क्या होता है, जैसे स्नेक लाइक शेप होती है, इस तरीके से स्क्विम करके वो उसकी तरफ गया। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और उसने उसके ऊपर इतनी जबरदस्त एकदम सडनली अटैक किया, जैसे कि एक वॉर्म को देखकर एक रॉबिन अटैक करती है। रॉबिन क्या है, छोटी बर्ड होती है विच यूज टू ईट अर्थ वॉर्म्स, तो जितनी स्पीड से वो उनके ऊपर अटैक करती है वैसे ही उसने भी अटैक किया। द पायरेट कैप्टन बैलेंडास ड्रैगन, और ये देखकर अब पायरेट भी थोड़ा अलर्ट हो गया, और उसको ये देखकर कि बैलेंडा के पास अभी एक ऐसा पेट था जो उसकी सेफ्टी के लिए वहां खड़ा था, वो सरप्राइज हो गया। एंड गर्ल्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट ड्रैगन, अब सरप्राइज था, नर्वस था, तो उसने क्या करा, अपनी पॉकेट में से ड्रैगन निकाला। ड्रैगन का होता है कंटेनर होता है काफी बड़ा, जिसमें जैसे जग अगर हम कह लें तो बिग साइज जग, ड्रैगन में से कुछ ग्रॉग, ग्रॉग क्या होती है, कुछ एनर्जी ड्रिंक काइंड होती है जो कि मोस्टली नेवी के सोल्जर्स की थे। तो उस वो पायलट भी आपको पता होगा, पायलट रिलेट्स टू सी, तो उसने वो ड्रैगन निकाला और उसमें से वो ग्रॉग गल्प किया, गल्प मीन्स बड़े बड़े घूट करके पी, तो वो उसने ग्रॉग पी लिया। ही फायर्ड टू बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो इतना नर्वस था, इतना सरप्राइज था कस्टर्ड के एक्शन को देखकर कि उसने जब बुलेट्स से फायर किया ड्रैगन की तरह तो वो मिस कर गया उसे। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा, उसने झट से उसको गॉबल, गॉबल मीन्स स्वालो कर लिया, निकल गया। बैलेंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, अब बैलेंडा ने क्या किया, उसको गले लगा लिया, मस्टर्ड उसको लिक करने लगा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, लेकिन वो जो पायरेट मर गया जो विक्टिम था उसके लिए किसी ने भी कोई मॉर्न नहीं किया, कोई रोना पीटना कोई शोक नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड जारेट, और जो इंक एंड ब्लिंक थे वो ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, और गारेट मीन्स गोल गोल चक्कर लगाना, बच्चे खुश होते हैं ना जब चक्कर लगाते हैं गोल गोल, दैट इज कॉल्ड जारेट। तो उन बच्चों ने खुशी से उसके चारों तरफ चक्कर लगाया। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, इसके चारों तरफ ड्रैगन की तरफ चारों तरफ जिसने की पायरेट को खा लिया। बट प्रेजेंटली अब स्मोक लिटिल डॉग मस्टर, I would have been twice as brave if I hadn't been faster. अब जिनको बूस्टअप करने की आदत होती है वो जाते नहीं है ना, अपनी आदत उनके लिए जाती, तो यहाँ मस्टर्ड वापस आया, कहता अरे मैं तो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, फ्लस्टर मीन्स कन्फ्यूज होगा, इस वजह से मैंने ब्रेवरी नहीं दिखाई, वरना मैं डरा नहीं था, मुझे पता था कि क्या करना है। एंड अब स्पोक इंक एंड आदर, अब स्पोक ब्लिंक, और वो कैट और माउस भी बोले हाँ हाँ बिल्कुल, वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव विद इंक, और हम तो इससे तुम तो ट्वाइस अपनी ब्रेवरी दिखाते हैं, हम तो इस कस्टर्ड से थ्राइस ब्रेवरी शो करते हैं, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, और कस्टर्ड यहाँ पर भी अपनी हम्बलनेस दिखा रहा है, बीइंग ब्रेव उस चीज का क्रेडिट नहीं ले रहा कि उसने बैलेंडा को बचाया और पायलट को खा गया, तो कह रहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ कि आप में से हर एक मुझसे ज्यादा ब्रेव। बैलेंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red rabbit and her really truly little fat dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cave. अब ये जो दो paragraphs हैं, ये same हैं,
जो आपकी पोएट्री के फर्स्ट टू पैराग्राफ थे। क्यों यहाँ पर ये दोबारा यूज किए हैं? ये है इट्स अ सटायरिकल रिमार्क बाय द पोएट। अभी वो बता रहा है कि बेलिंडा अभी भी उसी घर में उन सभी पेट्स के साथ रहती है जो कि अपनी ब्रेवरी अब भी उसी तरीके से शो ऑफ करते हैं जैसे कि पायरेट इंसिडेंट से पहले करते थे। कस्टर्ड आज भी उतना ही हम्बल है और वो ब्रेव है इन सब में से, लेकिन तब भी वो किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता और किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये यही मैसेज है पोएम का कि इफ यू हैव दैट पावर, इफ यू हैव दैट ब्रेवरी, इफ यू हैव दैट करेज, डोंट बूस्ट अप, सिर्फ जब समय आने पर, टाइम आने पर उनको शो अप करो, अपने शब्दों को कंट्रोल करो। आप कंफ्यूज, अब इसकी पोएट्री डिवाइस कर लेते हैं। दिस इज द पोएम व्हिच इज फुल ऑफ पोएट्री डिवाइसेस, सो मेनी पोएट्री डिवाइसेस। आप पहले पैराग्राफ की बात करें, लास्ट टू लाइंस में यू पीपल टेल मी नाउ कौन सा पोएट्री डिवाइस है? एलिटरेशन कहाँ पर? लास्ट लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सा पोएट्री डिवाइस है? रेपिटिशन, यस, लिटिल लिटिल रेपिटिशन, एल वाला लिटिल लिटिल के रेपिटिशन में आ गया ना। और एसोनेंस, लिव इन लिटिल वाइट, यस, एसोनेंस, गुड। फर्स्ट लाइन में एसोनेंस है। व्हाट एल्स? Look at the last two lines of first paragraph. And. Yes, and. Which one? Anaphora. Yes, and. Same word से शुरू हो रही है दो sentences. Anaphora. Same second paragraph में भी है. Anaphora. और कौन सा है second paragraph में? Simile. Simile. Very good. कहाँ पर है simile? Third line. Dog was sharp as custard. Sorry, mustard. और फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में पोएटिक लाइसेंस भी लिख लो। रियल एंड ट्रेलियो को अंडरलाइन करके राइट डाउन पोएटिक लाइसेंस। आई चेक हाउ मेनी ऑफ यू रिटन। देन लुक एट द थर्ड पैराग्राफ। नहीं बताती। थर्ड पैराग्राफ बिल्कुल क्लियर है। मेटाफर कहाँ पर? माउथ लाइक अ फायरप्लेस, सिमिली। मेटाफर भी है, मेटाफर कहाँ है? चिमनी फॉर अ नोज। चिमनी का कंपैरिजन किससे किया है? नोज से, तो इट्स मेटाफर। और भी है मेटाफर, लास्ट लाइन, डैगर्स ऑन हिज टोज, दिस इज अगेन मेटाफर। नेक्स्ट, बेलिंडा ब्रेव बैरल बियर्स, कौन सा पोएट्री डिवाइस राजन? जो भी तू बता रहा था पहले, बेलिंडा ब्रेव बैरल बियर्स, बी की रेपिटेशन है लेकिन पोएट्री डिवाइस कौन सा है? एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, chase lions down the stairs, exaggeration, exaggerate किया गया यानी बड़ा चढ़ा के बात की गई है, underline कर लो उसको, लिखो exaggerate। और first line में एक और poetic device है, simile, yes। third में देखो, third line में देख ना इसको, simile है, yes। और last line में नाइस सेफ केज, कौन सा पोएट्री डिवाइस है? नाइस सेफ केज। क्या केज सेफ हो सकता है? नो मैम, नहीं हो भी सकता है मैम, केज सेफ नहीं, सेफ कौन होते हैं? हम इंसान सेफ होंगे ना। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा है? जब एक ट्रांसफर एपिथेट इज देयर, लिख लो पेपर में आने।
ट्रांसफर अभी है. नेक्स्ट परसिवल. परसिवल से कौन सा अल्यूजन. यस परसिवल के लिए अल्यूजन यूज किया गया है. जब हम दूसरा कैरेक्टर थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में अगेन गिगलिंग टिल शी शुक द हाउस एक्सजरेशन. बड़ा चढ़ा के कहा गया है किसी की हंसी से कोई घर नहीं हिलता. बढ़िया एक्सजरेट करके की गई है. और इसमें ऑनोमेटोपिया भी है. गिगल वीक ग्राउंड म्यू क्लैश क्लैटर क्लैंक जैंगलिंग ये सब के सब ऑनोमेटोपिया के एग्जांपल है. आखिरी में सेकंड लास्ट पैराग्राफ में अंडरलाइन करो क्लैश. ओ इसी पेज पर सेम पेज पर क्लैश क्लैटर क्लैंक और जैंगलिंग स्नॉटिंग भी स्नॉट भी स्नॉट ये ऑनोमेटोपिया है. और लाइक 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 तीन बार यूज हुआ है इसी पैराग्राफ में. लाइक के साथ कौन सा पर्टिंग डिवाइस होगा. सिमिली एलिट्रेशन तब होता है जब सेम साउंड शुरुआत में आती है. सिमिली हो गया. और इसी से ऊपर वाले पैराग्राफ में देखो मस्टर्ड फ्लैट विद अ टेरिफाइड यंग. टेरिफाइड यंग जब टेरिफाइड नहीं होगी टेरिफाइड कौन होगा. तो क्या है यहाँ पर ये ट्रांसफर एप्लीकेंट. और लास्ट टू पैराग्राफ के आगे लिख लो सटायरिकल रिमार्क्स मेड बाय पोएट. इसका एक पैसेज आई एम एक्सपेक्टिंग के बोर्ड में आएगा बिकॉज इट इज फुल ऑफ पोएटिक. Thank you. Okay.